हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने यूट्यूब से प्रोफाइल पिक्चर यानी कि अपने डीपी को हमेशा के लिए रिमूव कर सकते हो। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको चले जाना है यूट्यूब पर। अब यहाँ पर आपको कॉर्नर साइड में अपनी प्रोफाइल पिक्चर के आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको योर चैनल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उस पर क्लिक करिएगा। अब यहाँ पर आपको पेंसिल के आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पेंसिल के आइकन पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर देखने को मिल जाती है। दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई भी डिलीट का ऑप्शन नहीं मिलता है, जिससे आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को डायरेक्ट डिलीट कर सको यूट्यूब से। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले हम चलते हैं अपनी होम स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको क्रोम ऐप ओपन करनी है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, जो आईडी आपकी यूट्यूब पर लॉगिन है वो सेम आईडी आपके गूगल क्रोम पर लॉगिन होनी चाहिए। तो यहाँ से अब आपको सर्च करना है सर्च बार पर। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल गया है YouTube डैशबोर्ड का, उसको ओपन करते हैं। फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करिएगा। यहाँ से आपको कुछ भी दिख नहीं रहा होगा, तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल को रोटेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा आई होप। अब यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर देखने को मिल जाती है। उसके नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन को सर्च करना है, जिसका नेम है कस्टमाइजेशन। तो यहाँ से हम कस्टमाइजेशन के ऑप्शन को ओपन करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं, जो मैं बताती हूँ उनके वीडियो में, अपनी वीडियो में यानी कि, वो उन पर वर्क नहीं करता है, यानी कि उनकी प्रोफाइल पिक्चर रिमूव नहीं होती है। आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ब्रांडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा आप। अब यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे अपने प्रोफाइल पिक्चर के साथ में। तो यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, चेंज और रिमूव। यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर के साथ में ही मिलेगा। तो यहाँ से रिमूव के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको रिमूव के ऑप्शन के डायरेक्ट बाद पब्लिश के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, तब जाके आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो हमेशा के लिए आपके यूट्यूब से डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ से हम पब्लिश के ऑप्शन पर क्लिक कर दिए हैं। अब हमको थोड़ा सा वेट करना है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो चेंजेस है वो पब्लिश हो चुका है। अब एक बार हम चलते हैं अपने यूट्यूब पर। दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे जो YouTube की प्रोफाइल पिक्चर है वो पूरी तरीके से रिमूव हो चुकी है। अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर रिमूव ना हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा देर वेट कर लेना है, 5-2 मिनट आपको वेट कर लेना है। अगर तब भी ना हो तो आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं जो आपकी प्रॉब्लम है, मैं कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।